लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कमिश्नर से की एफआईआर दर्ज करने की मांग। नाना पाटेकर पर दर्ज होगी एफआईआर। वाराणसी में जर्नी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं नाना पाटेकर। अनिल शर्मा के निर्देशन में बन रही है फिल्म जर्नी। सेल्फी लेने के दौरान फैन को जड़ा थप्पड़। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने फिल्म एक्टर नाना पाटेकर के ऊपर वाराणसी कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि इन दिनों नाना पाटेकर वाराणसी के अलग अलग घाटों पर फिल्म जर्नी की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान एक फैन उनसे सेल्फी लेने के लिए उनके पास चला गया, जिस पर झल्लाकर अभिनेता नाना पाटेकर ने फैन को जोरदार थप्पड़ मार दिया और उसके पास मौजूदा सुरक्षा कर्मियों ने फैन की गर्दन दबोचकर उसको बाहर धक्का दे दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाद में लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी कमिश्नर से फिल्म अभिनेता और उनकी टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अभिनेता नाना पाटेकर द्वारा वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर चल रही फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फैन को थप्पड़ मारे जाने और उनके क्रू मेंबर द्वारा उस फैन की गर्दन दबोचे जाने के वायरल वीडियो के क्रम में मैंने पुलिस कमिश्नर वाराणसी से इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। स्पष्ट है कि एक ख्याति प्राप्त अभिनेता द्वारा इस प्रकार का सार्वजनिक रूप से किया गया आपराधिक कृत्य घोर निंदनीय और गंभीर है, जिसमें अविलंब एफआईआर दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।